इस एसी में हम गैस चार्जिंग का काम करना है, पर थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये काम, पर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ये डेकिन का स्प्लिट एसी है, फिजिकल चला के चेक कर लिया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल में चल रहा है अच्छे कंडीशन में, बस कूलिंग नहीं कर रहा। तो कूलिंग की प्रॉब्लम जब ही आती है जब गैस निकलती है। जब हमने इसे चेक करा फिजिकल, तो भाई साहब ये कॉइल है फुल्ली रिपेयर्ड। यही वो चैलेंजिंग वाला काम था। हमने कह दिया है भैया से कि भाई साहब रिपेयर तो कर देंगे पर वारंटी नहीं लेंगे, अगर आप कॉइल रिप्लेस करवाओगे तो वारंटी लेंगे। भैया ने क्या, 2 महीने की बात है भाई, गर्मी जाने वाली है, आप रिपेयर ही कर दो। तो हमने रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया। पर भाई साहब इसका आउटर यूनिट भी जो है ना, वो भी एलुमिनियम का निकल गया भाई, वो अलग ही टेंशन दे गया। कोई बात नहीं, पर कर लेंगे। जब प्रेशर वेशर डाल के इसे चेक कर लिया अच्छे से, इसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है दूसरी, तो इसे फिट कर दिया। इंडोर तो फाइनल हो गया, अब चलते हैं आउटडोर यूनिट पे। यही वो आउटडोर यूनिट है और देख सकते हो दोस्तों, ये एल्युमिनियम का कंडेंसर है। जब एसी को चेक करा आउटडोर यूनिट का, तो ये पाइप पंच मिला। कोई बात नहीं, इसे भी ठीक कर देंगे। जब भैया राजी हो गए रिक्स लेने के लिए, तो हम भी अच्छे से काम कर लें इस एसी के अंदर। तो पूरा खोल कर हमने सारे जॉइंट को फिजिकल चेक करा, कहीं पर ऑयल वगैरह नहीं आ रहा था। तो हमने हीट मार कर हर जॉइंट पर, वाल वगैरह सब पे, अपने लोहे वाले ब्रश से हम रगड़ कर इसे फिर से चेक करेंगे, कहीं कोई जॉइंट लीक तो नहीं है। अगर लीकेज नहीं मिली इसके अंदर, फिर भी हम इसके अंदर प्रेशर होल्ड करने वाले हैं, सिर्फ आउटडोर यूनिट के अंदर, क्योंकि इंडोर यूनिट को पूरा डिप करके चेक कर चुके हैं। जब इसे हमने चेक करा, तो इसके अंदर एक भी लीकेज नहीं थी। तो हमने छोटे वाले गैस से 120 PSI प्रेशर डाल के होल्ड कर दिया था इसके अंदर 1 घंटे के लिए। अगर एक भी PSI डाउन होती दोस्तों, तो इसका कंडेंसर ही चेंज होता, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो सब कुछ ओके निकला, तो हमने जो पाइप ख़राब था उसे भी रिप्लेस करके नया पाइप लगा दिया है उसकी जगह पे। अब हम गैस डालने का काम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वैक्यूम वगैरह करना होता है वो सबको पता है। तो इस वीडियो में यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी।